वेल गाइस, केंटो से लेकर गैलार तक एश ने हर एक रीजन के अंदर अपना कोई ना कोई एक एस पोकेमोन बनाया ही है, जो टीम में बाकी पोकेमोन से बिल्कुल अलग ही चमकता है। और जब जब इन एस पोकेमोन का हमें रिटर्न देखने को मिला है, तब तब इन पोकेमोन ने कसम से राइवल पोकेमोन की फाड़ के रख दी है। बट इन्फिनिट के साथ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। सेप्टाइल के रिटर्न आने पर उसने अनबीटेबल डार्कराय को डिफीट कर दिया। चाइजर के रिटर्न आने पर उसने आर्टिकुनो एंड आयरस के ड्रैगनोइड को बता दिया कि वो उसके सामने कहां पर स्टैंड करते हैं। वहीं गिनिंजा के रिटर्न होने पर लुकारियो चला था गिनिंजा से बैटल करने के लिए, बट गिनिंजा ने भी बता दिया लेकिन वहीं इन्फिनिट रिटर्न आया तो पोकेमोन ने इन्फिनिट की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक लेजेंडरी पोकेमोन मॉल्ट्रेस से डिफीट हो गया जबकि उसके पास ब्लेज एबिलिटी थी। वहीं इसके सामने तो टैलेंटफ्लेम ने मॉल्ट्रेस को बहुत ही अच्छा टक्कर दी थी। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें जस्टिस चाहिए इन्फिनिट के लिए।